देखिए, मैं चूंकि एक लंबे अरसे के लिए अरब कंट्रीज में रहा हूं, वहां एक मुहावरा मैंने सुना जो मुझे बहुत पसंद आया। वो कहते हैं कि अरबी की वर्डिंग सुन लीजिए कि बदल यश सुनम अहसन यश अलशम, के अंधेरे का शिकवा करने से बेहतर है कि आप एक क्षमा रोशन करें। और हमारे शायर मरहूम अहमद फराज साहब, उनकी नज़र से भी गालिबन ये अरबी का मकबूला या इसका तर्जमा गुजरा होगा, तो उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है आप लोगों के लिए। वो कहते हैं कि शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर, शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाए। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक है सैयद जहूशाह साहब कि जिन्होंने महज शिकवा शिकायत करने के बजाय उन्होंने ये इल्म और साइंस की एक शमा आप लोगों के लिए रोशन कर दी। और न सिर्फ आप लोगों के लिए कि जिससे आज इंटरनेट के जरिए सारी दुनिया के लोग जो हैं वो फायदा उठा सकते हैं। और याद रखिए, यहाँ चंद अल्फाज साइंस के हवाले से आपको बताना है और मैं अपने बयान को खत्म करता हूँ। देखिए, साइंस की तरक्की और साइंस का आगे बढ़ना ये प्रोग्रेसली हो रहा है, रफ्ता रफ्ता हो रहा है, और इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो कभी दुरुस्त होती हैं, बाद में वक्त आता है तो उसमें से किसी चीज़ को गलत साबित कर दिया जाता है। लेकिन जो खुदाई अहकाम है उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। मिसाल के तौर के ऊपर आप अपनी ज़मीन को ले लीजिए, इस ज़मीन और इस कायनात के ऊपर शुरू से साइंटिस्ट गौर वर्णन करते रहे। पहले यूनानी फलसफादान थे, उन्होंने ये नज़रिया कायम किया कि ये ज़मीन, ये सूरज, ये चाँद, ये सब के सब इनमें से ये सब साकिन हैं और सूरज जो है वो इनमें घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। बाद में ये यूनानी फलसफा का नज़रिया था। उसके बाद साइंस ने आगे तरक्की की, वक्त आगे बढ़ा तो गैलीलियो इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नजरिया पेश किया कि जमीन जो है ये गोल है, सूरज साकिन है और जमीन इसके चक्कर लगा रही है। और ये नजरिया तकरीबन 19वीं सदी तक ये कायम है, आज भी हमारे बच्चे इसी चीज को पढ़ते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि लेटेस्ट थ्योरी क्या कह रही है? वो ये कहते हैं कि ये जमीन भी घूम रही है, ये सूरज भी घूम रहा है, ये गैलेक्सीज भी घूम रही हैं, यहाँ कोई चीज साकिन नहीं है। अच्छा, ये तो साइंटिस्ट का नजरिया आपने देखा कि कहाँ से इसकी इब्तदा हुई, यूनानी फिलासफर से। और आज हम इस नजरिए के ऊपर हैं, इस कायनात की हर चीज जो है वो गर्दिश में। अगर आप एक मिनट के लिए कुरान मजीद के ऊपर गौर फरमाइए, सूरत यासीन को पढ़िए। सूरत यासीन में अल्लाह सुभान व तआला क्या इरशाद फरमाते हैं, वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, कि इस कायनात की हर चीज अपने अपने मदार में चलती हुई जा रही है। बेशक बेशक, ये कुरान का नज़रिया।
जो कि तब्दील नहीं हो सकता। ऐसे बहुत से कुरानी मुजज़ात और बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर इंटरनेट के हवाले से बात हो रही है। एक लेटेस्ट रिसर्च चंद साल पहले मैंने पढ़ी, आप लोग भी उसको सर्च करके देखिएगा नेट के ऊपर। वो आयरन के बारे में था, लोहे के बारे में, कि ये ज़मीन के ऊपर जो आयरन है, लोहा ज़मीन के नीचे जो पाया जाता है, जिसे आज खुदाई करके निकाला जाता है और उससे बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, तो क्या जब ये ज़मीन भरी, जब ये बिग बैंग हुआ, तो ये उस वक्त इसमें मौजूद था या बाद में कहीं से आया था? तो लेटेस्ट तहकीक ये कहती है कि ये लोहा या आयरन या स्टील जो है, ये बिग बैंग के वक्त ज़मीन में मौजूद नहीं था, बल्कि बिग बैंग के नतीजे में जो बहुत से छोटे छोटे टुकड़े फिजा में मुअल्लक हो गए, वो ज़मीन के ऊपर गिरते थे और अपने वेट की वजह से ज़मीन के अंदर धंस जाते, और उनके अंदर ये आयरन या लोहा मौजूद था, जिसे आज साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट जो हैं वो ज़मीन को खोद के इसमें से बरामद करते हैं। ये सुन लिया आपने, ये लेटेस्ट है, वरना इससे पहले हम तो यही समझते थे कि लोहा बस ज़मीन में मौजूद था और वहाँ से निकाल लिया गया। अब ज़रा सूरत हदीद को पढ़िए। यहाँ मैं आपको फिर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अरबी जुबान में जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे उतारी जाए तो उसके लिए नज़ला अनज़ला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रही हो तो उसके लिए सऊद या असादा या सहादा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अभी आपको मैंने 21वीं सदी की तहकीक बताई जो ये कहती है कि ये तमाम लोहा ये आसमान में मौजूद जो मेटराइट थे उनके जरिए ज़मीन के ऊपर पहुँचा। कुरान मजीद की सूरत हदीद को उठाइए। अल्लाह सुभान व तआला इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, وأنزل الحديد فيه بعث شديد، کہ پروردگار تو وہ ہے کہ جس نے آسمانوں سے لوہے کو زمین بنا دیا۔ تو یہ دین ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں जिसकी बुनियाद ही साइंस के ऊपर रखी गई। बस आप लोगों को ये चाहिए कि आप पूरी तवज्जो और कोशिश के साथ इस इल्म से इस्तेफादा हासिल करें। मैं अपने बयान को ख़त्म करता हूँ और आखिर में अल्लामा इकबाल का एक शेर आप लोगों की नज़र करना चाहता हूँ। फारसी का शेर है, मैं जानता हूँ आजकल फारसी वगैरह लोग पढ़ते बहुत कम हैं, लेकिन मौके की मुनासिबत से आपको शेर भी सुना देता हूँ, तर्जुमा भी बता देता हूँ। इकबाल फरमाते हैं, वया व बदन से इकबाल व यक दो सागर कश, वया व मजर से इकबाल व यक दो सागर कश, अगर जे सर न तराशक अलंदरे बाशक। कहते हैं कि दावत दे के लोगों इकबाल की महफिल और मजलिस में आ जाओ और आके इससे फैज हासिल कर लो, और साथ में वो यकीन दिला रहे हैं कि बेशक अपने सर को ना भी मुड़ाओगे तो तब भी कलंदर बन जाओगे।